हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का आपका लेसन आज हम शुरू कर रहे हैं। लेसन 6 आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आप इसे छोड़ देंगे। लेसन 7 है आपका आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। वॉज द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। देखिए चारों दिशाओं के बारे में क्या क्या है उसके बारे में इसमें बताया गया है पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे, इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3.200 किलोमीटर। देखिए इसका जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो बताई गई है, वो अबाउट 3.200 किलोमीटर है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2.900 किलोमीटर। और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो इसकी एक्सटेंट है वो है 2.900 किलोमीटर। द नॉर्दर्न प्लेन, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइसलैंड प्रेजेंट ए डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। देखिए ये एक डाइवर्सिटी शो होती है इस लैंड फॉर्म की, कि यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन भी हैं और डिज़र्ट प्लेट्यू हिमाउंटेन्स ये सब कुछ यहाँ पे है, तो ये डाइवर्सिटी से शो होती है लैंड फॉर्म्स की। इंडिया में देर इज़ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ द क्लाइमेट, यहाँ पर जलवायु की भी बहुत वेराइटी मिलती है और वेजिटेशन की भी, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। लैंग्वेज और कल्चर की भी बहुत वैरायटी मिलती है इंडिया में, बहुत प्रकार कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और यहाँ की जो कल्चर है संस्कृति है उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इन द डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी, डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ यूनिटी एकता यहाँ पर शो होती है। दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन, वो रिफ्लेक्ट होती है ट्रेडिशन में, मोर देन 100 इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन। ये ट्रेडिशन ये परंपराएं ही हैं जो हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती हैं। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। देखिए 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ भारत की जनसंख्या बताई गई है, तो अब तो करीब 1.35 के करीब मानो, लेकिन ये 2011 का रिकॉर्ड बताया गया है इसमें। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चीन। देखिए जनसंख्या को देखते हुए भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो चीन की है और चीन के बाद जनसंख्या के को देखते हुए भारत का दूसरा स्थान है। लोकेशनल सेटिंग, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है हमारा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 नॉर्दर्न पास इज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। ये देखिए फिगर 7.2 में आपको दिखाया जाएगा, अभी मैं दिखाऊंगी, जब आपको फिगर दिखाऊंगी 7.2 नेक्स्ट वो पेज पर है, अभी आप ये पेज पढ़ेंगे उसके बाद उस फिगर में आप देखेंगे। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8°4 एंड 37°6 नॉर्थ लैटिट्यूड। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68°7 एंड द 97°25 लॉन्गिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इससे पहचान सकते हैं। देखिए ग्लोब के ऊपर आपने रेखाएं देखी हैं, कुछ लंबवत रेखा होती हैं, कुछ आड़ी रेखाएं होती हैं, तो लॉन्गिट्यूड से आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सी लॉन्गिट्यूड होती है और कौन सी लैटिट्यूड होती हैं। तो लॉन्गिट्यूड वाली जो लंबी रेखाएं होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं, और लैटिट्यूड जो लेटी रेखा है इससे आप पहचान सकते हैं कि लैटिट्यूड लेटी वाली रेखा है और लॉन्गिट्यूड जो लंबी वाली रेखाएं होती हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इन टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर
would India belong to due to great longitudinal extent of about 29 degrees. There could be a wide difference in local time of places located off two extreme points of India. As such, the difference between these two points would be a about 2 hours. As you have learned earlier, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, the local time change by 4 minutes for every 1 degree of longitude. देखिए 1 degree longitude पर भी 4 मिनट का टाइम चेंज हो जाता है. द सनराइज इज़ अबाउट 2 hours अर्लियर, जो सूर्य निकलता है लगभग 2 घंटे पहले निकल जाता है इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में, देन इन द वेस्ट गुजरात, वेस्ट गुजरात से पहले 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकल जाता है. यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, ये भी आपने पहले पढ़ चुके हैं. वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 degree 30 हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. देखिए इंडियाज नेबर, आप इस चार्ट में देखेंगे इंडियाज नेबर यानी कि भारत के पड़ोसी राज्य, पहले भी आपने पढ़ा होगा लेकिन आप फिर नेक्स्ट आपका ये रिवाइज हो जाएगा. देर आर 7 countries दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया. देखिए 7 countries हैं जो इंडिया से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती हैं. आप इसमें मैप में देख सकते हैं. देखिए ये अपना इंडिया है, इंडिया को तो आप पहचान ही रहे हैं. पाकिस्तान है, ग्रीन में दिखाया गया है. चाइना है इधर की साइड, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और देखिए श्रीलंका, ये सारे भारत के पड़ोसी राज्य हैं जो भारत से अपनी लैंड शेयर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप एक ब्लैंक मैप में, जो आपकी मैप वाली बुक है, आप उस ब्लैंक मैप में ये नेबरिंग कंट्री भारत के जो हैं आप इन्हें फिल करेंगे देखकर. ओके स्टूडेंट्स, इससे आपको उनके नाम भी, भारत के पड़ोसी राज्यों के नाम भी याद हो जाएंगे. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. How many of these countries do have the excess of any? देखिए स्टूडेंट्स, इसका ये पेज थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है. आप अपनी बुक में, अगर इसमें से आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है तो आप अपनी बुक का पेज खोल सकते हैं. बुक का पेज नंबर है, मैं आपको भी बताती हूँ, बुक का पेज नंबर है आपका ये 50. ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है, थोड़ा क्लियर आपको दिख भी नहीं रहा होगा. तो हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ एनी ओशन ऑफ सी. Across the sea to the south lies our Iceland neighbor Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Pak Strait. Sri Lanka भारत से separate है. बीच में देखिए, ये देखेंगे Sri Lanka मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल touch नहीं कर रही है उसकी boundaries. ये देखिए, ये Sri Lanka है, ये एक अलग है ये एक. Okay students, देखिए इसमें सारे, इस मैप में आप देख सकते हैं, इस मैप में सारे राज्य भारत के दिखाए गए हैं. आप एक ब्लैंक मैप पर, ब्लैंक मैप लेकर उसमें भारत के ये सारे राज्य फिल करेंगे. आप इसमें सारे ये शो किए गए हैं, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है. आप इसमें देखकर एक ब्लैंक मैप पर उसे फिल कर सकते हैं. जम्मू कश्मीर है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, बिहार, नेपाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल,
असम, मेघालय, मणिपुर। ओके स्टूडेंट्स, आप ये जो भारत के इसमें भारत के मैप में सारे राज्य इसमें शो किए गए हैं, आप एक ब्लैंक मैप लेकर उसमें ये सारे राज्य फिल करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, मैप आपने देख ही लिए हैं। देखिए अब इसका पढ़ते हैं, फिजिकल डिवीज़न। इंडिया इज मार्क्ड बाय ए डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइसलैंड। देखिए इंडिया का जो फिजिकल डिवीज़न है वो भी किस किस में डिवाइड है, माउंटेन्स में, जगह जगह में माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट एंड आइसलैंड्स हैं। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लोफ्टी स्नो कैप हिमालयाज, हिम प्लस आलियाज मीन्स द अबोड ऑफ स्नो। इसको अलग करके इसके नाम को शो किया गया है, हिमालय के नाम को जो बर्फ़ को प्रदर्शित करती है। द हिमालय माउंटेन्स आर द डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पैरेलल रेंज। जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो भी तीन पैरेलल रेंज में डिवाइड हैं। कौन कौन सी हैं वो, द नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री उसको बोला जाता है। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, जो सारे संसार की हाईएस्ट पीक है, आर लोकेटेड इन द रेंज, इन दिस रेंज। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, मिडिल हिमालय में। तो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ फाइव हिल स्टेशन। द शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। दीज आर फॉर्म्ड बाई द एलिवल डिपॉजिट लेड डाउन बाई द रिवर्स द ब्रह्मपुत्र एंड द देयर ट्रिब्यूटरीज। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ग्रेट इंडियन डिजर्ट वहाँ पर पड़ता है। इट इज ए ड्राई है हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ जो वेजिटेशन है बहुत कम होती है। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन लाइज इन द पेनिनसुला प्लेट्यू, इट इज़ ट्रेंगुलर इन शेप, यह शेप इसकी शेप बताई गई है ट्रेंगुलर में है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, इट इज़ ए दिस इज ए रीजन विद न्यूमरस हिल रेंज एंड वैलीज। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड की ये ओल्डेस्ट रेंज है अरावली हिल्स। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड द विंध्यास एंड द सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेंट रेंज। द रिवर नर्मदा एंड द तापी फ्लोज थ्रो दीज रेंज। नर्मदा ताप्ती जो मेन रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, वो यहाँ से ही बहती हैं। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन्स इन टू द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेट्यू ऑफ द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। वाइला वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स एंड लाइक कॉयल एंड आयरन ओर। कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। देखिए कोस्टल प्लेन्स होता है